प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 एट्थ क्लास मैथ है, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। इसमें वेरीफाई करना है एक्स डिवीजन ब्रैकेट में वाई डिवीजन जेड नॉट इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई ब्रैकेट में डिवीजन जेड। कहने का मतलब है जो एसोसिएटिव लॉ अंडर डिवीजन डज नॉट होल्ड। लो वेरीफाई करते हैं। वैल्यू दी है ये फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू -3/15 y -2/3 एंड z इज इक्वल टू 2। लो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x डिवीजन ब्रैकेट में y डिवीजन z है, तो वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू -3/15 डिवीजन y की वैल्यू -2/3 z की वैल्यू 2 है, तो 2/1 लिख लो। ये डिवीजन का साइन है, जहां भी डिवीजन है ना। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -3/15 डिवीजन -2/3, जहां साइन मल्टीप्लिकेशन का चेंज कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, 2/1 को 1/2 जब इसे सॉल्व करते हैं। अब जहां कटता तो काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बच गया -3/15 डिवीजन -1 × 1, 3 × 1, 3 -1/3 बच गया। अब फिर वैसे ही सॉल्व करते हैं, -3/15 डिवीजन का साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं, जो रेसिप्रोकल है और साइन है, ये साइमल्टेनियसली करते हैं हम। जो ही साइन चेंज करना, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, जो दूसरा रैशनल नंबर है। देखो मल्टीप्लीकेशन, इसका रेसिप्रोकल -3/1। अब काट लो, 3 × 3, 3 × 5 = 15, -3 × 5 = 3/5 आ गया। अब राइट हैंड साइड इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स डिवीजन वाई ब्रैकेट में डिवीजन जेड, एक्स की वैल्यू -3/15 डिवीजन वाई की वैल्यू -2/3, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, दो साइन आ गए ना, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन जेड की वैल्यू है 2, 2/1 लिख लो इसको। अब ये -3/15 है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/-2 जहां काट दो, 3 × 5 = 15, डिवीजन 2/1 वैसे ही है, -± आ गया, 3 × 3, 5 × 2 = 10, डिवीजन 2/1। अब फिर वैसे ही सॉल्व करना, डिवीजन का साइन चेंज कर दो, 3/10 पहले जो रैशनल नंबर वैसे ही लिखना, तो 2/1 को 1/2 लिख दो, 3 × 1 = 3, 10 × 2 = 20, 3/20 आ गई वैल्यू, जहां वैल्यू आई थी 3/5 जो पहले सॉल्व किया था, दूसरी वैल्यू 3/20 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर एक्स डिवीजन ब्रैकेट में वाई डिवीजन जेड नॉट इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई ब्रैकेट में डिवीजन जेड। ये क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, x इक्वल टू -1/4 वैल्यू, y इक्वल टू -3/2, z इज इक्वल टू -5/6। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, x डिवीजन ब्रैकेट में y डिवीजन z, x की वैल्यू -1/4 डिवीजन स्क्वायर ब्रैकेट y की वैल्यू -3/2 डिवीजन z की वैल्यू -5/6 स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -1/4 डिवीजन स्क्वायर ब्रैकेट -3/2, इस साइन चेंज कर दो, इसका इन्वर्स कर दो, मल्टीप्लीकेशन 6/-5। अब काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 × 6, -1/4 डिवीजन 3 × 3 = 9, -± हो गया, बटा 5 बचा नीचे डिनोमिनेटर में, ये बन गया -4, 1/4 डिवीजन 9/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, इसका रेसिप्रोकल 5/9। रेसिप्रोकल और इनवर्स एक ही बात है, कटता तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, ये -5 × 5, 4 × 9 = 36, -5/36 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड लेनी है हमने, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x डिवीजन y ब्रैकेट में डिवीजन z, x की वैल्यू -1/4 डिवीजन y की वैल्यू है -3/2, ये ब्रैकेट में लिखनी, स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन z की वैल्यू -5/6, ये ब्रैकेट में डालनी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -1/4 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है, इसका इनवर्स लिख दो, 2/-3,
आप काट दो, दो एकम दो दूनी चार। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। ये डिवीजन माइनस फाइव बाय सिक्स वैसे लिख लो ब्रैकेट में, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन, टू थ्री जा सिक्स, वन बाय सिक्स डिवीजन, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस फाइव बाय सिक्स। अब जे साइन चेंज कर दो, इसको सॉल्व करना ना, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन इसका इनवर्स, सिक्स बाय माइनस फाइव। अब सिक्स के साथ ये कट दो, ये बच गया बाकी इक्वल टू वन बटा माइनस फाइव। अब माइनस ऊपर लेके जाना चाहते तो माइनस वन को न्यूमरेटर से, माइनस वन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव बच गया डिनोमिनेटर में, तो ये आंसर आ गया माइनस वन बाय फाइव। जहां वैल्यू आई थी माइनस फाइव बाय थर्टी सिक्स, जहां माइनस वन बाय फाइव आई है, दोनों इक्वल नहीं है। देयर फोर एक्स डिवीजन वाई डिवीजन जेड जब ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवीजन जेड, कहने का मतलब एसोसिएटिव लॉ अंडर डिवीजन डज नॉट होल्ड।